Assalamualaikum dear students, last time we were doing Poisson regression and this time we will be doing Poisson regression for count data, right? Last time we covered Poisson regression and for the use where the dependent variable is binary, so there were some limiting assumptions that we covered. So I hope you have covered those videos, and in case you have any query, you are more than welcome to discuss in the upcoming live session that I have announced on the Microsoft team as well. Okay, so let's start Poisson regression for count data. Okay, let's say we have data on number of balls. Okay, this is about actually a data on which is observing ke jo log hain wo chalte mein kis tarah gir jate hain. Simple sa data hai. Okay, someone is interesting to analyze ke jo falls ke incident hote hain wo kaise depend karte hain ke chalne wale ki gender kya hai, kitna balance rakh ke wo chal raha hai. Aapne when you are walking, if you don't put your foot steadily on the ground, so that means you are not balancing yourself, to usse zahir hai girne ka khatcha badh jata hai. तो हमारे पास डेटा नंबर ऑफ फॉल्स का है, जेंडर का है, बैलेंस इंडेक्स का है और स्ट्रेंथ इंडेक्स, विच मींस के चलने वाले के अंदर खुद बॉडीली स्ट्रेंथ है कितनी, राइट? तो सपोज अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है 100 लोगों का जो कि जिनकी एज जो है वो 65 इयर्स और मोर है, राइट? एज आई सेड, डेटा सेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 इंडिविजुअल 65 इयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर. So let's say we want to find out if education or education plus aerobic exercise has any impact on the number of falls. Let us introduce another variable called x1, which is 0 if the person is uneducated, and 1 if the person is educated, and 1 if the person is educated and he or she does aerobics as well, right? So अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक दफा बस फिर से मैं आपको बता देती हूँ बाय गोइंग ऑन द लास्ट पेज. यू सी, वी वांट टू फाइंड आउट इफ एजुकेशन और एजुकेशन प्लस एरोबिक एक्सरसाइज हैज एनी इम्पैक्ट. ठीक है, यानी एक तरफ हम सिंपल एजुकेशन का सेपरेट इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई एजुकेटेड भी हो और वो एरोबिक एक्सरसाइजेस भी करता है तो फिर क्या उसके गिरने के जो इवेंट है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं. ठीक है, तो हमने एक जो वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिया x1, विच इज 0 इफ द पर्सन इज एजुकेटेड, एंड इट इज 1 इफ द पर्सन इज एजुकेटेड एंड ही और शी डज एरोबिक्स एज वेल. तो इसको हमने x1 का नाम रख दिया, ये एक डमी वेरिएबल बन गया. सो लेट्स से अगर हम नंबर ऑफ फॉल्स का डेटा हो, ऑल्दो आई एम नॉट रनिंग एक्चुअली दिस डेटा इन द स्टेटा बिकॉज द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन इज करंटली हाउ टू इंटरप्रेट पॉइसन रिग्रेशन फॉर काउंट डेटा, राइट? कि आपके पास जो है वाई वो नंबर ऑफ काउंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ फॉल्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कितनी दफा गिरता है. दूसरी तरफ एक एक्स वन वेरिएबल है विच इज लाइक पर्सन एजुकेटेड एंड एजुकेटेड एंड ही डज एरोबिक, इस तरह से डिफाइन हुआ है. एक्स टू जो है वो हमने पीछे स्लाइड में पेज पे देखते हैं. एक्स टू हमने जेंडर के लिए डिफाइन किया हुआ है. एक्स थ्री इज द बैलेंस इंडेक्स एंड एक्स फोर इज द स्ट्रेंथ इंडेक्स. सो लेट्स से अगर हमने इंटर रिग्रेस किया और ये आउटपुट हमारे पास आ गए. ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि इंटरप्रेट करने के लिए हम कहते हैं कि जो कोफिशंट्स है ना उनको हम ई की पावर ले लेते हैं. ठीक है, क्या मैं कह रही हूँ कि जो भी आपके कोफिशंट्स आ रहे हैं, जैसे ई पावर द कॉन्स्टेंट, फिर x1 का कोफिशियंट, x2, x3, so on, जो भी जो आप रिग्रेशन इक्वेशन लिखते होते हैं ना, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, वही लिखी हुई है, बट एक्सपोनेंशियल हमने उसको ले लिया. यानी पॉइसन रिग्रेशन जब भी काउंट डेटा की फॉर्म में यूज हुआ है तो उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाजमी यूज करने. सो लेट्स से इफ एन इंडिविजुअल हैज एक्सपीरियंस फोर फॉल्स, ठीक है, दैट मीन्स कि y जो है वो फोर हो गया, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था ना, and is educated but he doesn't do aerobics, that mean x1 zero ho gaya kyunki wo sirf educated hai aur upar humne define kiya tha only educated ko hum zero keh rahe honge, to x1 jo hai wo zero ho gaya. and suppose x2 is 1 aur suppose 1 humne male ke liye assign kiya tha, that means gender uski male ho gayi hai. x3 that is the balance index, let's say uski value hai 50. x4 that is the strength index, let's say uski value hai 56. तो अब अगर हमने ऐसे बंदे के लिए इवेंट
प्रिडिक्ट करना हो ना कि उसका जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फॉल्स या एवरेज नंबर ऑफ फॉल्स कितना होगा, तो हम सिंपली ये जो वैल्यूज हमने पीछे लिखी है ना, ये एक्स वन जीरो, एक्स टू वन, एक्स थ्री फिफ्टी, एक्स फोर फिफ्टी सिक्स, ये सिंपल इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो यही आगे हुआ, ये एक्स वन एक्स टू वो जो वैल्यूज पीछे लिए हैं वो पुट कर दी एंड द रिजल्ट इज दिस विच इज अप्रॉक्सीमेटली फोर। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या कहा था, ये कोई ऐसा बंदा है जिसकी फॉल्स फोर हुई है, यानी वो चार दफा गिरा है, और हमने मॉडल के थ्रू जब प्रिडिक्टेड फॉल्स निकाली तो वो भी फोर के काफी क्लोज आ रहा है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू फोर थी, मॉडल भी फोर के काफी क्लोज दे रहा है। तो दिस इज एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सी वेदर द प्रिडिक्शन एंड द एक्चुअल वैल्यूज आर क्लोज और नॉट। लेट्स से इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट दैट अ सिमिलर पर्सन हैज लेस देन फाइव फॉल्स पर ईयर। ठीक है, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इसी तरह सेम यही बंदा और प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो लेस देन फाइव फॉल्स पर ईयर। अब यहाँ पर ईयर का देखें नंबर ऑफ डेज बहुत सारे हैं, तो आपको याद होगा कि पाइथन जब भी आपने रिग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो एन मस्ट बी वेरी लार्ज, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 365 आपका सैंपल साइज है। अब इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फॉल लेस देन फाइव मीन्स के जीरो टू फोर कितनी भी हो सकती है। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ आपने पढ़ा था वो सिंपल हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने जो एवरेज है वो ये यूज कर लिया। आपको याद है कि क्या था पॉइसन रिग्रेशन का पीडीएफ, लैम्डा पावर एक्स ई पावर माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्स जब जीरो हो गया तो लैम्डा यानी कि ये वैल्यू पावर एक्स मतलब जीरो, ई पावर माइनस लैम्डा ओवर जीरो फैक्टोरियल। इसी तरह जब हम वन के लिए कर रहे होंगे तो हम एक्स वन पुट कर देंगे, और इसी तरह करते करते हम फोर तक करके ये सारी वैल्यूज यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड आउट के प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन फाइव फॉल्स की आ रही है 0.749। इन अदर वर्ड्स ऑलमोस्ट 75% चांसेस हैं कि ऐसा बंदा जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया था उसकी नंबर ऑफ फॉल जो है वो लेस देन फाइव हो। कैसा बंदा, यानी फिर से बता देती हूँ, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि एजुकेटेड है मगर वो एरोबिक्स नहीं करता। ठीक है, जिसकी जेंडर मेल है, उसका बैलेंस 50 है, उसका स्ट्रेंथ इंडेक्स 56 है, प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल सॉरी ही विल ऑब्जर्व लेस देन फाइव फॉल इज ऑलमोस्ट 75%। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट्स से ये तो हमने ओवरऑल प्रिडिक्शन की, सपोज मैं अगर सेपरेट इम्पैक्ट निकालना चाह रही हूँ वेरिएबल्स का, तो लेट्स से अगर मैं मार्जिनल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना चाहती हूँ, तो अगर आप देखें पीछे स्ट्रेंथ इंडेक्स का कोफिशेंट जो है वो ऑलमोस्ट 0.0093, ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 0.00927 था, तो ये इसीलिए आपने देखा कि हमने क्या किया हुआ है कि जब मार्जिनल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना है तो हमने स्ट्रेंथ इंडेक्स के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर लिया है बाय दिस वैल्यू। ये क्या थी, प्रिडिक्शन थी ना, वही जो हमने ओवरऑल प्रिडिक्शन निकाली थी ऐसे बंदे के लिए जिसके जो ऊपर हमने फीचर्स डिफाइन किए हैं। अब अगर मैं मार्जिनल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना चाह रही हूँ तो इस बंदे के यानी कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय कोफिशेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसी तरह मुझे अगर किसी और वेरिएबल के लिए करना होगा मार्जिनल इफेक्ट तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब इस मार्जिनल इफेक्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, अब ये रिजल्ट जब ये इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यू गेट दिस वैल्यू 0.0341। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन द मीन वैल्यू ऑफ फॉल। ठीक है, इसमें आप इंटरप्रिटेशन यानी कि मीन वैल्यू के साथ कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन द मीन वैल्यू ऑफ फॉल, सो दैट मीन्स इफ स्ट्रेंथ इंडेक्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट mean value of y will respond as follows। कैसे, ये 0.031 को अगर आप इस तरह लिख दें 31/100 ऐसे लिख सकते हैं ना, सो दिस 31 यू कुड से इट इज मीन नंबर ऑफ फॉल फॉर अ पर्सन हुज स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 1 यूनिट हायर। बी प्लस वन कुछ भी हो सकता है, मसलन ये अगर 20 है तो नीचे क्या होगा 19, यानी यहाँ 1 यूनिट हायर वाले लोग आ रहे होंगे। ये बी आई लिखा हुआ है क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि वो पहले मुझसे थोड़ा लिखने में एरर हो गया था, तो वो बैलेंस इंडेक्स को मैं एब्रीविएट कर रही थी, आप इसको बेशक इस बी को एस समझ लें, एस आई कर लें। ठीक है, और इस बी को भी बेशक आप एस रीड कर लें, तो ये अपने नोट्स आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो 31 क्या है, मीन नंबर ऑफ फॉल्स वेयर स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट ए पर्टिकुलर लेवल सपोज एस प्लस वन,
और डिनोमिनेटर में क्या है, मीन नंबर ऑफ फॉल व्हेन द बैलेंस इंडेक्स और सॉरी स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 1 यूनिट लोअर। यानी सपोज अगर ये 19 स्ट्रेंथ वाले बंदे का डेटा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिरेटर में 20 वाले का, यानी कि 1 यूनिट हायर से। सो आप देख रहे हैं कि जब किसी की स्ट्रेंथ 1 यूनिट बढ़ रही है तो फौरन उसके लाइकलीहुड या मीन नंबर ऑफ फॉल जो है वो एकदम से डिक्रीज हुआ है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 31 इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एट स्ट्रेंथ इंडेक्स इक्वल टू S+1 एज कम्पेयर टू 100 इंडिविजुअल एट स्ट्रेंथ इंडेक्स S। ये बीज वगैरह सारे जो यहाँ पर इधर इधर ये सारे इनको S कर लें, ठीक है। सो इस तरह आप इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉइसन रिग्रेशन को। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ स्टॉक एंड वॉटसन बुक, Assessing Studies Based on Multiple Regression. This is the title of the book. Stock and Watson की book LMS पे भी uploaded है. I emailed to you during the start of the semester. If you like, I can also upload on the Microsoft Teams. ठीक है, अगर आपको इस तरह से ज़रूरत हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा. Although I have already uploaded this file on LMS as well as emailed. ठीक है, okay. So let's start the first topic under chapter 9, internal and external validity. ठीक है, what is internal validity? Statistical analysis is said to have internal validity if the statistical inference about causal effect are valid for the population being studied. अभी आपने definition यानी ये जाहिर है read out करने से तो समझ नहीं आएगी ना, कहा क्या जा रहा है कि internal validity कब है कि जो भी statistical test लगाए जा रहे हैं, ठीक है, या जो भी स्टेटिस्टिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो जिस पॉपुलेशन को आपने स्टडी किया है उसके लिए रेलेवेंट है। यानी यूं समझ लें कि जब आप कोई रिग्रेशन रन कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन के लिए रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है, इसको कह देते हैं इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, What is external validity? External validity, if inferences and conclusion can be generalized from the population and settings studied to other population and settings. यानी internal validity में क्या था कि जो regression आपने पढ़ा है या जो apply किया है वो corresponding population के लिए valid है। यानी external validity क्या है कि जो regression आपने apply किया है for a particular population वो किसी और similar population के लिए या सेटिंग्स के लिए, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज मेंट बाय सेटिंग्स, उनके लिए रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, सो जनरलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर देखे ना एक्सटर्नल वैलिडिटी में दो बातें आ रही थी, पॉपुलेशन एंड सेटिंग्स, तो वन बाय वन देख लेते हैं। So generalization in terms of population means the ability of projecting the results from study population to the target population. यानी जिस population को आपने study किया हो उसकी basis पे जो results हैं या जो regression है उसको आप कैसे generalize करते हैं towards the target population जिसके बारे में आप यानी कि results का analysis करना चाह रहे हैं। How can you do that, right? तो ये हम explain करते हैं। Suppose हमारे पास वही जो हम शुरू दिन से डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो वाला डेटा, दैट यू हैव ऑल द डेटा फाइल्स एंड द कोर्स नोट। सो कंसीडर द कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट टेस्ट स्कोर एग्जांपल। लेट्स से यूएसए में आपके पास जो है 3141 काउंटीज हैं, ठीक है, आपकी स्टडी पॉपुलेशन अगर आप उस डेटा को जाके फिर से देखें 420 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोलंबिया थी, ठीक है। So let's say an educationist wants to generalize the finding of test score regression obtained by analyzing data of 420 school district of the Columbia to infer the relationship between test score and student teacher ratio in 200 other counties. ठीक है, क्या हो रहा है कि analyze क्या किया गया है Columbia का data। अब कोई बंदा है वो चाह रहा है कि इस Columbia वाले data से जो regression result लिख के आया है जो कि relate कर रहा है test score को student teacher ratio के साथ, क्या हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं टू जनरलाइज अबाउट 200 अदर काउंटीज ऑफ यूएसए। ठीक है, कोलंबिया को यूज करते हुए अदर काउंटीज। तो इसमें आंसर सिंपल सा है जो कि आपको कॉमन सेंस से भी यही मालूम पड़ता है कि अगर तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स या सॉरी काउंटीज हैं जिनके बारे में हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं
इफ दे आर कंपेरेबल टू कोलंबिया, ठीक है, फिर तो सही हो जाएगा, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। अदर अब ये देखें कि हमने क्या कहा कि अगर तो जो स्कूल रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, क्योंकि बेसिकली तो आप ये स्टूडेंट टीचर रेशियो वाला जो काम कर रहे हैं सारा स्कूल के एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, तो यानी कि स्कूल से रेलेवेंट चीज़ें हैं ना, टेस्ट स्कोर है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, तो अगर तो मैच बिटवीन स्कूल रिलेटेड वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट, यानी क्या मतलब है कि जो स्कूल सिस्टम है अगर तो वो कोलंबिया और बाकी काउंटीज का एक मतलब मिलता जुलता है, सिग्निफिकेंटली मिलता जुलता है ये कह लें, तो फिर तो आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोलंबिया में एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर स्कूलिंग का सिस्टम है और बाकी जो वो काउंटीज है लेट्स से वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर तो आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकेंगे ना, एक्सटर्नल वैलिडिटी होल्ड नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स। अब सेटिंग्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जिस सिनेरियो में डेटा कलेक्ट किया था वो इम्पॉर्टेंट है जानना, क्या आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो का लिया गया डेटा को जनरलाइज कर सकते हैं फॉर ए डिफरेंट पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है कि सपोज आपने आजकल चूंकि ये कोरोना एंड द पेंडेमिक इज क्वाइट मच कॉमन अनफॉर्चुनेटली, तो अगर आप लेट्स से कि इसकी क्योर ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो लैब एक्सपेरिमेंट करें और वो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें जिसमें वो देखें कि कोविड 19 वायरस को किल करने के लिए व्हाट और हाउ द डोज कैन बी इंड्यूस्ड ऑफ अ पर्टिकुलर वैक्सीन। अब अगर ऐसी वैक्सीन जो अफ्रीकन ग्रीन मंकीज पे काम कर रही है, क्वेश्चन मार्क इज के क्या वो वैक्सीन कोविड 19 की ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी काम करेगी या नहीं, ठीक है। सो अगर तो सेटिंग्स आप यानी ये अब इसका आंसर ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ही दे सकते हैं, तो इफ साइंटिस्ट प्रोवाइड अस एम्पिरिकल एविडेंस के ठीक है पास्ट में भी अफ्रीकन ग्रीन मंकीज के ऊपर सपोज 99% ऑफ द टाइम जब जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी रेलेवेंट रहे, हैंस वी कैन एज्यूम और वी कैन एक्सपेक्ट कि ये काम करेगा ह्यूमन बींग पे। लेकिन अगर ऐसी कोई साइंटिफिक एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो फिर हम कहेंगे कि ये तो एक्सटर्नल वैलिडिटी चैलेंज होगी इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के दो कॉम्पोनेंट है, एक तो ये कि जो बीटा है दे शुड बी अनबायस्ड और वो कंसिस्टेंट भी होने चाहिए। अनबायस्ड का क्या मतलब है कि ऑन एवरेज सैंपल बीटा शुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन बीटा। कंसिस्टेंट ही का क्या मतलब है, इन लार्ज सैंपल, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी सिंपली मीन्स इन लार्ज सैंपल्स। सो इन लार्ज सैंपल सैंपल रिजल्ट कन्वर्ज टू पॉपुलेशन रिजल्ट, ठीक है ना, यानी सैंपल बीटा कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन बीटा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पॉपुलेशन में भी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है टू द डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट, तो अभी तक आप ये कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है अगर आप कर सकते हैं, इट दैट मीन्स के इन अदर वर्ड्स, सो इंटरनल वैलिडिटी में हमने ये कहा कि पहला पॉइंट तो सिंपल डिस्कस हो गया, दूसरा द हाइपोथेसिस टेस्ट शुड हैव द डिजायर्ड सिग्निफिकेंस लेवल। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखा है, इन अदर वर्ड एरर आप 5% पे सेट कर रहे हैं, तो अगर आपका डेटा के अंदर क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल वैलिडिटी होंगे, वो कब आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। इंटरनल वैलिडिटी की अगर इश्यूज होंगे तो होता क्या है कि अगर आप एरर टारगेट करें ना 5%, तो वो एक्चुअल में इन्फ्लेट होकर 10% 20% पे पहुंच जाती, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रिडिक्शन करना चाहते थे, इन अदर वर्ड एरर रेट 5% पे सेट कर रहे हैं, लेकिन स्टेटिस्टिकली तो आपने सेट कर लिया, मगर अगर किसी को डेटा के अंदर इंटरनल वैलिडिटी के प्रॉब्लम होंगे तो वो एरर रेट 5% की बजाय इंक्रीज होके बढ़ जाएगा। यानी अभी मैं हम ये नहीं कैलकुलेट कर रहे कितना बढ़ जाएगा, बट डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाएगा एरर रेट। तो इसका मतलब है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो प्रोसीजर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा व्हेन देयर आर इश्यूज ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। ओके, सो देयर आर मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर दैट चैलेंज द इंटरनल वैलिडिटी। पहला ओमिटेड वेरिएबल बायस है, जो हम कोर्स के स्टार्ट में बिल्कुल डिटेल में सारा कर चुके हैं,
तो अगर ओमिटेड वेरिएबल बायस होगा तो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इशू, और उसमें भी आपके जो बीटास हैं वो बायस्ड हो जाते हैं और इनकंसिस्टेंट। ये सारे प्रूफ आप OST 1 से पहले हम डिटेल में क्लास में कर चुके हैं। सेकेंड इज फंक्शनल फॉर्म मिस स्पेसिफिकेशन। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल फॉर एग्जाम्पल फॉर्म किसी चीज की नॉन लीनियर हो और आप लीनियर मॉडल रन कर दें तो ये मिस स्पेसिफिकेशन होगी। ठीक है, सो एक्चुअली फंक्शनल फॉर्म मिस स्पेसिफिकेशन कुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ओमिटेड वेरिएबल बायस। कैसे? सपोज हमारा अगर मॉडल है वाई आई एज अ फंक्शन ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर प्लस दी रेंडम एरर। लेकिन अब हम क्या करें, हम फिट कर दें ये, यानी कि जो स्क्वायर फॉर्म है वो ओमिट कर दें, तो एक ओमिटेड वेरिएबल बायस आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये टेस्ट कैसे हम करें कि फंक्शनल फॉर्म में स्पेसिफिकेशन आ रही है या नहीं? इसके लिए एक टेस्ट यूज होता है, रेमजे रीसेट टेस्ट। दिस टेस्ट विल चेक इफ एनी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव बीन ओमिटेड। जैसे कि यहाँ पर क्या था, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म एक्स आई स्क्वेयर, तो ये टेस्ट चेक कर रहा है कि क्या कोई एक्स के नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म मसलन स्क्वेयर फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, क्या वो ओमिट तो नहीं हो गए। अब ये नहीं चेक कर रहा कि कोई और वेरिएबल, ठीक है, ये बेसिकली ये चेक कर रहा है कि इसी वेरिएबल की कोई नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म, यानी इसी वेरिएबल का स्क्वायर कह लें, क्यूब कह लें, स्क्वायर रूट कह लें, किसी भी नॉन लीनियर फॉर्म में, क्या वो तो नहीं मॉडल से ओमिट हो गया। सो वो हम चेक करते हैं थ्रू रेमजे रीसेट टेस्ट। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, उस तरफ आ जाते हैं हम। ओके, सो स्टेप्स फॉर रेमजे रीसेट टेस्ट क्या है? दिस वॉज प्रपोज इन 1969। फर्स्ट है, रन द रिग्रेशन टू ऑब्टेन आर नॉट स्क्वायर द ओरिजिनल मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल क्या मतलब है कि आप बेस लेवल पे आर नॉट स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना लीनियर फॉर्म वाली, वो पहले आप रन कर लें और उसमें से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाए उसका नाम रख दें आर नॉट स्क्वायर, उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज को आप सेव कर लें। ठीक है, देन यू री रन द रिग्रेशन यूजिंग पावर फंक्शन ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू। मसलन के आप जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनका स्क्वायर या प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनका क्यूब, वो आप इंक्लूड करें। अब वो कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर इंक्लूड करना है या क्यूब इंक्लूड करना है, वो आप आ जाएंगे स्कैटर प्लॉट की तरफ। अब देखिए आप, क्योंकि आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू आर लाइक प्रिटी गुड इन मैथमेटिक्स, सो यू ऑल नो के स्क्वायर फॉर्म में कैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिगर 2 को आप देखते हैं तो ये आपको क्यूबिक टाइप का पैटर्न कह रहा है, फिगर 3 जो है वो लॉग से रिजेंबल करता है, फिगर 1 जो है वो आपके पास ये कह रहा है कि हमें स्क्वायर फॉर्म वाई की इंक्लूड करनी चाहिए। तो स्कैटर प्लॉट जिस तरह का बन रहा होगा, ये किस चीज का स्कैटर प्लॉट है, रेजिडुअल जो आपने फर्स्ट स्टेप में रिग्रेशन रन किया है ना उसका रेजिडुअल वैल्यूज वर्सेज प्रेडिक्टेड वैल्यूज का स्कैटर प्लॉट। ठीक है, और ये कैसे आप बनाएंगे, इस डेटा में आप इजीली बना सकते हैं। वंस यू रन द रिग्रेशन आप रेजिडुअल वैल्यूज को सेव कर लें और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को सेव कर लें एंड देन यू कैन प्लॉट। तो अगर आप प्लॉट की शेप देखते हुए यू कैन कमेंट कि हमें इंक्लूड करना चाहिए स्क्वायर को या नहीं। फॉर एग्जांपल ये इससे पता चल जाएगा कि स्क्वायर इंक्लूड होना चाहिए, इससे पता लगेगा कि क्यूब इंक्लूड होना चाहिए, इससे पता लग रहा है कि लॉग इंक्लूड होना चाहिए। ओके, सो सेकेंड स्टेप था कि हमने री रन द रिग्रेशन यूजिंग पावर फंक्शन ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, तो उसमें हमने बता दिया कि हमने स्कैटर प्लॉट किसका बनाना है, आपने रेजिडुअल का और प्रिडिक्टेड वैल्यू का, जो स्टेप 1 में बेस रिग्रेशन रन किया है उधर से जो आ रहे हैं उनका प्लॉट बना लेना। फिर जो नया मॉडल आपने रन किया है ये स्टेप 3 में, ठीक है, इसके जो आर स्क्वायर आ रहा है यानी कोरिलेशन उसका नाम आर एन स्क्वायर रख दें। देन कैलकुलेट दी एफ टेस्ट, एफ वैल्यू क्या है, नया जो कोरिलेशन कोफिशियंट है माइनस जो बेस मॉडल का कोरिलेशन कोफिशियंट है डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब ये डब्ल्यू और के क्या है वो देख लें, के इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू मॉडल कोरिलेशन स्क्वायर ओवर एन माइनस पी, वेयर एन इज द सैम्पल साइज, पी इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द न्यू मॉडल। यहाँ पर अगर पिछले आए तो नया मॉडल हमारा क्या था, ये वाला देखें इसमें कितने पैरामीटर हैं, 1 2 3,
ठीक है ना। तो n इज द सैंपल साइज हो जाएगा, p इज द नंबर ऑफ पैरामीटर, w इज द नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर्स। अब नया रिग्रेसर कितना हमने डाला, एक, तो हमारा यहाँ पर w हो जाएगा वन। सो फॉर एन एडिक्वेटली स्पेसिफाइड मॉडल f शुड बी नॉन सिग्निफिकेंट, यानी ये जो f की वैल्यू आएगी ना, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू f एट w एंड k। तो अभी w हमारा कितना है, वन। वन क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ एक नया लीनियर फॉर्म चेक कर रहे हैं कि वो डलनी चाहिए या नहीं। तो सपोज अगर हम स्क्वायर को चेक करना चाह रहे हैं कि वो डलता है या नहीं, तो हम ये एक एग्जांपल के साथ भी अभी कर लेंगे। और k क्या है, k इज दिस कि नए मॉडल में से जो आपका आर स्क्वायर आ रहे हैं वो वन माइनस करें डिवाइडेड बाय एन माइनस पी, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो सपोज हमारे पास जो स्टेटा फाइल थी स्टूडेंट टीचर रेशियो वाली, अगर मैं उसके तरफ आऊँ दोबारा, तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले जो रिग्रेस कर रहे थे, आपको याद होगा, इसमें हम देखते थे कि टेस्ट स्कोर हाउ दे डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टीचर रेशियो। ठीक है, रिग्रेस टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो इधर से आप देखें आर वैल्यू आ रही है 0.0512, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है आर वैल्यू 0.0512। ठीक है, ये जो एफ हमने निकालना था डिवाइडेड बाय, चूंकि W है, W सिंपली मीन्स के हम वन रख रहे हैं, क्योंकि हम नया, अभी आप देखेंगे जो वेरिएबल ऐड कर रही हूँ वो सिर्फ एक होगा। ये क्या है, नए मॉडल का आर स्क्वायर। नया मॉडल कौन सा है कि मुझे उसमें इंक्लूड करना है एक एडिशनल वेरिएबल। वो एडिशनल वेरिएबल क्या है, हमने कहा कि वो जो आपकी वाई हैट है उसका स्क्वायर हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्यों स्क्वायर इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या स्क्वायर टर्म की इंक्लूजन रिक्वायर्ड है या नहीं। तो अब आप ऐसा करें कि पहले आपने ये रिग्रेस जो टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो कर लिया है, अब आप फिटेड वैल्यू जनरेट कर लें बाई यूजिंग प्रिडिक्ट फिटेड कमांड। तो प्रिडिक्ट फिट ठीक है, प्रिडिक्ट फिट आपने किया, तो ये फिटेड वैल्यूज आपके पास स्टोर हो गई होंगी स्टेटा के अंदर। अब आप एक नया वेरिएबल जनरेट कर लें फिट स्क्वायर के नाम से, जिसमें फिटेड वैल्यू को आप स्क्वायर कर लें। सो जनरेट फिट एस क्यू इज इक्वल टू फिट स्टार फिट। ठीक है, ये आपने किया, तो फिट एस क्यू अब आपका जनरेट हो गया। अब आप क्या करें, अब आप नया रिग्रेशन रन करें टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड फिट स्कोर। ठीक है, सो रिग्रेस टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड फिट स्कोर। ठीक है, ये हमने रन कर लेना, जिस तरह मैंने क्या कहा, रिग्रेस टेस्ट स्कोर ऑन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड फिट स्क्वायर। इसको हम एंटर कर देते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये एरर यहाँ पर क्यों आ रहा है, मैं दोबारा इसको टाइप करती हूँ, रिग्रेस टेस्ट स्कोर स्टूडेंट टीचर रेशियो फिट स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा, ये मैंने पहले R जो है कैपिटल लिख दिया था, इसमें इसलिए इशू आ रहा था। तो यहाँ R स्क्वायर की वैल्यू आ रही 0.0523, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी 0.0523। सो F की वैल्यू हो गया नया R स्क्वायर माइनस द बेस R स्क्वायर। ठीक है, एंड देन वी डिवाइडेड बाय, यू कैन सी बाय K। ठीक है, वेयर K इज दिस होल क्वांटिटी, 1 माइनस न्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सैंपल साइज विच वाज 420 माइनस पी दैट इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द न्यू मॉडल, जो कि हमारे पास हो चुके हैं दो। ठीक है, ओके, सो मैं आपको कह रही थी कि पी जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द न्यू मॉडल था, वो थोड़ी लम्हे के लिए मैं इसलिए रुक गई थी कि मैंने यहाँ पर न्यू मॉडल में पैरामीटर 2 लिख दिए, विच इज ए राइटिंग एरर। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 तो नहीं है ना, 3 है, नया मॉडल है क्या ये, तो 2 इसमें बीटा होंगे, एक स्टूडेंट टीचर रेशियो वाला और एक फिट स्क्वायर का, और एक इसमें इंटरसेप्ट भी तो होगा ना, तो 3 हो जाएंगे, तो 420 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 417।
ठीक है, तो ये आप करेक्शन नोट कर लीजिएगा. सो दिस इज 417. अब आपने क्या करना है कि ये जो एफ का रिजल्ट आया है इसको आपने कंपेयर करना होगा विद एफ एट 1 degrees ऑफ फ्रीडम एंड 417 एट अल्फा. अब अल्फा आप 5% यानी टाइप 1 एरर सेट कर सकते हैं. तो सपोज अगर आप ये ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, अगर इंशाल्लाह हमारा फेस टू फेस एग्जाम मोड हुआ, आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पर्टिकुलर सिनेरियो व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. तो अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने V1 यानी 1 रख दी, यानी कि ये देखें पहले 1 और फिर 417, जैसा मैंने कहा ना कि ये 417 है, 418 नहीं है, और क्योंकि ये वैल्यू 2 नहीं है, ये 3 है. तो हमने किया 1417 के साथ. इसको आप यूं करते हैं, अभी मैं रब कर देती हूँ. देखिए 5% लेवल ऑफ एरर होने का मतलब है 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है. तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगी. इसको मैं करके कैलकुलेट पे प्रेस करूंगी एंड आई हैव द वैल्यू 3.86. क्योंकि वो इतने बड़े डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर इतना फर्क नहीं आता है. 417 और 418 अगर आप निकाल के देखें तो इनफैक्ट वो एक ही आएंगे. इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बेशक मैंने ये वैल्यू यहाँ 418 गलत लिख दी थी, बट आगे वो सही आंसर वही आ रहा है 3.86. सो दिस इज एफ वैल्यू एट 1 degrees ऑफ फ्रीडम कॉमा 417 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट एरर रेट 0.05. तो अब हमने करना क्या है कि हम अगर आपका मॉडल एडिक्वेटली स्पेसिफाइड है, यानी कि जो आपका मॉडल एक्चुअल में रन हुआ था, बेस फॉर्म में रन हुआ था, इफ दैट इज लेस देन द एफ वैल्यू जो कि आपने अभी कैलकुलेट की है ऑनलाइन, जैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो अभी हमारी एफ वैल्यू आ रही है 0.486. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपकी छोटी आ जाती है देन द टेबल वैल्यू जो हमने ऑनलाइन कैलकुलेट की, दैट मीन्स के आपका जो बेस मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है. इन अदर वर्ड, ये स्टूडेंट टीचर रेशियो में स्क्वायर टर्म की इंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब टेस्ट स्कोर जो है दे आर लीनियरली रिलेटेड टू स्टूडेंट टीचर रेशियो. ठीक है, तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को जो है स्टॉप करते हैं. फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशंस. और जो है आप इसको प्लीज़ ठीक से साथ लेते हुए जिस तरह हमने रन किया है उसको कंटिन्यू करें. एंड जस्ट इन केस इफ़ यू थिंक दिस मच कंटेंट इज़ लेस फॉर द वीक, तो मैं आपको सैटरडे विच इज़ टुमारो आई विल अपलोड अनदर 15 to 20 minutes वीडियो जिसमें हम एक एडिशनल टॉपिक कर लेंगे. बट फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप व्हाट्सएप जो क्लास का ग्रुप है या माइक्रोसॉफ्ट टीम, उसमें आप प्लीज़ अपने जो इनपुट है, फीडबैक है, वो ज़रूर दें. क्योंकि जाहिर है डिस्टेंस लर्निंग मोड में द ओनली प्रॉब्लम इज यू आर नॉट सिटिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई कैंट जज वेदर यू आर कॉन्टिन्यूइंग टू एब्जॉर्ब द कोर्स कॉन्टेंट और नॉट. तो इसीलिए मुझे लगा कि ये आपके लिए एक नया चैप्टर था और एक नया टॉपिक पॉइसन रिग्रेशन, काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन पहली दफ़ा पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो आप इस प्लीज़ ये जो 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 चैप्टर नंबर बुक के मैंने रेफ़र किए हैं वो आप यूज़ करें, एडिशनल स्टडी वहाँ से भी करिए, एंड देन ड्यूरिंग द लाइव सेशन प्लीज़ मुझे बताइए अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.